आवाज आई कि पिंड दान का समय निकला जा रहा है। तब माता सीता ने सोचा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आने में समय लगेगा और पिंड दान का निश्चित समय भी बीता जा रहा था। तब सीता जी ने वहां पर उपस्थित गाय, कौवे, पानी और पंडित जी को साक्षी मानकर राजा दशरथ का पिंड दान कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए तब उन्हें माता सीता ने सारी बात बताई, लेकिन भगवान श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। माता सीता ने कहा कि मैं गाय, कौवे, फल्गु नदी और पंडित जी को साक्षी मानकर ये पिंडदान किया है। तब श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए चारों से पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। इस बात से माता सीता अत्यधिक क्रोधित हो गईं और झूठ बोलने की सजा में आजीवन श्रापित कर दिया। माता सीता ने पंडित जी को श्राप दिया कि पंडित को कितना भी धन मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। कौवे को कहा कि उसका अकेलापन से भी कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु अवश्य होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद वो ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव भी नहीं होगा। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि जिसे हम गौ माता कहकर पुकारते हैं और जिसका हम सब पूजा करते हैं, वो तो इतनी पवित्र है लेकिन फिर भी वो दर दर की ठोकरें खाएंगी, हर किसी के घर में जाकर रोटी की उम्मीद करेंगी। जो पवित्र चीजें हमें गाय से मिलती हैं, वो सब सभी इंसानों को पवित्र मिलेंगी लेकिन गाय खुद दर दर की ठोकरें खाएगी, जिससे गौ माता आज भी भुगत रही हैं। दोस्तों, ये थे वो खास जानवर जिन्हें माता सीता ने दिया था श्राप। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।